गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, घर पर हैं, सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है वो होगा अपना एक नए टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर के अंदर एसिड को अच्छे से पढ़ लिया, बेस को। उसके बाद मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है वो समझाया। उसके बाद मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच बताई। अब हम आज पढ़ते हैं कि साल्ट क्या है, कैसे बनते हैं, साल्ट की फैमिली क्या होती हैं, कुछ साल्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, कैसे वो बनते हैं, क्या यूजेज उनके, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर? एक बस लास्ट टॉपिक बचेगा फिर हमारा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम साल्ट क्या है, एक साल्ट का एग्जाम्पल जो अपना कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन, उसका यूज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और साल्ट्स के, इस तरह से हम इस चैप्टर को दो तीन वीडियो के अंदर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबे, काफ़ी दिन से चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा साल्ट। तो आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और पेशेंस के साथ आपको वीडियो देखनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है साल्ट। तो व्हाट आर साल्ट? तो देखिए, जो साल्ट्स हैं वो क्या होते हैं? साल्ट्स आर केमिकल सब्सटेंसेज। जैसे एसिड और बेस केमिकल सब्सटेंस थे, ऐसे ही साल्ट भी केमिकल सब्सटेंस हैं। अब ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, कि दो सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो एक एसिड बेस को या फिर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एक ऐसा सब्सटेंस बनाता है जो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है। तो वो जो सब्सटेंस है वो है क्या फिर? वो है साल्ट। वो क्या है? साल्ट। तो चलिए, तो ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड, विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिज। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिज की साल्ट। अरे बोलोगे सर टॉपिक की स्पेलिंग ही गलत लिख दी आपने ना, साल्ट की स्पेलिंग ही नहीं आती आपको। ऐसा नहीं है, सॉरी। तो साल्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की बेस के रिएक्शन के साथ बनते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया एक एसिड और हमने उसकी रिएक्शन करवा दी बेस के साथ, तो जो बनता है वो क्या बनता है? साल्ट। साथ में बनता है वाटर। ठीक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं साल्ट। एग्जांपल के लिए HCl हमने लिया और हमने एक बेस लिया NaOH और इससे बना दिया हमने क्या? सोडियम क्लोराइड, साथ में बना वाटर। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? साल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट। क्लियर है? तो ये होते हैं साल्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया HCl और हमने ले लिया कोई भी बेस, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता क्या है? KCl। पोटाशियम क्लोराइड बनता क्या है? KCl। साथ में बनता है वाटर। साथ में बनता है वाटर। क्लियर है? देखिए, ये बन गया KCl, ये बन गया NaCl। ठीक है, तो इस K और Cl ने KCl बना लिया, साथ में बन गया वाटर। तो KCl इज ऑल्सो है साल्ट। इस तरह से बहुत सारे साल्ट मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे अलग अलग एसिड्स की रिएक्शन के साथ जैसे जो बनेंगे। क्लियर है? तो मीन साल्ट क्या है? ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड बेस की रिएक्शन के वजह से बनता है उसको हम बोलते हैं साल्ट। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर वाटर भी साल्ट, वाटर न्यूट्रल तो है बट साल्ट कहना सही नहीं है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट कर लिया। तो चलिए अब मैं दूसरी डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ साल्ट को। कई बार आपके सिलेबस के अंदर, आपकी क्लास के अंदर इस तरह भी हम पढ़ा देते हैं कि जो साल्ट है वो क्या है, कि साल्ट आर केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाई रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन आयन बाई मेटल, या हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड्स बाई मेटल आयन और
अमोनियम आयन। तो एक डेफिनेशन हम ये भी लिख देते हैं कि साल्ट क्या है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जो बनते हैं एसिड के एच पॉजिटिव को अगर रिप्लेस कर दें मेटल आयन से या फिर NH4 अमोनियम आयन के साथ। देखिए एग्जांपल के साथ हम इसको करते हैं। इसी में एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एसिड, HCl इज एसिड, तो एसिड के अंदर क्या होता है HCl, इस तरह से Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, तो एसिड के H पॉजिटिव को रिप्लेस करवा दिया सोडियम से, एसिड के H पॉजिटिव को रिप्लेस करवा दिया सोडियम से, सोडियम ने इस H पॉजिटिव को हटा दिया, बना दिया NaCl, क्लियर है। तो एसिड से H पॉजिटिव हटा दिया, मेटल का आयन लगा दिया तो बन गया साल्ट। एसिड से H पॉजिटिव हटा दिया, मेटल का आयन लगा दिया, बन गया साल्ट, क्लियर है। तो जो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड्स में से एच पॉजिटिव को रिप्लेस करने पर बनते हैं, रिप्लेस किससे करना है, मेटल का आयन और अमोनियम आयन, किसका आयन, मेटल का आयन और अमोनियम आयन। बोलिए समझ पा रहे हैं, समझ आता है आपको, वेरी गुड। तो क्लियर है, तो इस तरह से हम दो तीन डेफिनेशन हम साल्ट्स की पढ़ा सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम साल्ट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, अब हम पढ़ लेते हैं साल्ट की फैमिली को। और साल्ट की फैमिली को पढ़ते वक्त फिर से हम इसी कंसेप्ट को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए जो साल्ट बनता है वो बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से, तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है साल्ट। तो मींस एक साल्ट के कितने पेरेंट हैं, टू पेरेंट्स, वन इज एसिड वन इज बेस। इसीलिए जो साल्ट का नेम होगा, साल्ट का जो नेम होता है वो बनता है हाफ एसिड से और हाफ बेस से, ठीक है। तो जो साल्ट के नेम होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, एसिड और बेस, उनके दो पेरेंट्स से, ठीक है। तो जो एसिड के साल्ट का नेम अगर हम रखेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, साल्ट के नेम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट किससे आता है, फर्स्ट पार्ट आता है बेस से, फर्स्ट पार्ट किससे आता है, बेस से। और इनके नेम का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट कहाँ से आता है, एसिड से। सेकेंड पार्ट कहाँ से आता है, एसिड से। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें NaCl की, अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl का जो फॉर्मूला है वो है NaCl, क्लियर, सोडियम क्लोराइड। अब उसका जो नेम है वो बनता है सोडियम क्लोराइड, इसका नेम अगर हम लिखें तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए जो सोडियम है ये कहाँ से आया है, सोडियम है ये कहाँ से आया है, बेस से। फिर है क्लोराइड, फिर है क्लोराइड, ये कहाँ से आया है, ये जो क्लोराइड है ये कहाँ से आया है, एसिड से। सोडियम कहाँ से आया है, बेस से, क्यों, NaCl किससे मिलके बना है, NaOH प्लस में HCl, तो इसके अंदर जो NaCl है वो कहाँ से आया है, Na, देखिए Na और Cl, Cl, तो NaOH बेस था, HCl एसिड था। तो फर्स्ट पार्ट, नेम का फर्स्ट पार्ट या फिर एसिड साल्ट का पहला पार्ट जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है बेस से। सेकंड पार्ट कहाँ से आता है, वो आता है एसिड से, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है एसिड वाला पार्ट है उसके साथ यूज होता है एसिड वाला पार्ट प्लस में साथ आइड सफिक्स, आपको क्या यूज करना है, आइड सफिक्स। मेन से साल्ट का नेम दोनों पेरेंट के नेम पे पड़ेगा, पहला बेस दूसरा एसिड। जो एसिड वाला पार्ट है उसमें आप क्या यूज करोगे, आइड सफिक्स, आई डी ई, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड का जो नेम था सोडियम क्लोरीन, देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था बट इन को हटा के हमने लगाया आइड, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लो राइट, वेरी वेरी सॉरी, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता कभी कभी, पता नहीं क्या लिख रखा था। तो सोडियम क्लोराइड, तो देखिए एक सफिक्स लगा है आइड, है ना, तो इन को हटा के हम लगा देते हैं आइड। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ लेते हैं पोटाशियम सल्फेट ले लेते हैं, K2SO4, पोटाशियम सल्फेट इज अ साल्ट, इसका नाम देखते हैं पोटासियम
सल्फेट। क्या नेम है पोटासियम है? सल्फेट। अब बोलोगे सर अब आपने आइड सफिक्स तो यूज़ नहीं किया। देखिए आइड सफिक्स यूज़ होना है अगर हम हैलोजन फैमिली का कोई मेंबर लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं जैसे क्लोरीन तो क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड, अच्छा ब्रोमीन ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फैमिली, अगर अलग अलग एसिड्स वाली जो फैमिली हैं उनके अलग अलग सफिक्स हमारे को यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन तो सीधा लगा दिया सल्फेट, अब आयड नहीं लगेगा, क्लियर है। तो जैसे हम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड अगर होता उससे अगर साल्ट बनते तो बनता सिट्रेट, वहाँ पे लगाते एट, ठीक है। तो कई बार आयड लगेगा, कई बार क्या लगेगा एट, कई बार क्या लगेगा एट, ठीक है। एट भी क्या है सफिक्स, ठीक है। तो ऐसा तो फिक्स नहीं है कि हर बार आयड ही लगना है, अलग अलग। तो इसीलिए मैंने दो एग्जांपल आपको बताए हैं। तो पोटासियम सल्फेट, तो देखिए अब ये किससे बना होगा, ये बना होगा पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट बना है एक तो ले लेते हैं हम KOH बेस और दूसरा ले लेते हैं हम H2SO4 एसिड। तो देखिए यहाँ से तो आ गया ये है बेस, ये क्या है बेस, ये क्या है एसिड, क्या है एसिड। तो एसिड से सल्फेट वाला पार्ट ये पार्ट, और पोटासियम वाला पार्ट बेस से, पोटासियम वाला पार्ट बेस से, ठीक है। तो इस तरह से बनते भी हैं साल्ट और उनके नेम आते हैं उनके पेरेंट्स से, पहला बेस से दूसरा एसिड से। एसिड वाले पार्ट में हमारे को क्या यूज़ कर रहे हैं सफिक्स, जैसे आयड जैसे एट, क्लियर है। एक मैंने आयड का एग्जांपल आपको बताया, एक मैंने सल्फेट का एग्जांपल आपको बताया, दूसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड तो नाम क्या है इसका पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब जो KBr एक साल्ट वो कहाँ से बना होगा, एक तो बेस से पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड से HBr, ये भी HBr एक एसिड है। तो अब देखिए ये क्या है बेस, ये क्या है एसिड, ठीक है। तो पहला पार्ट बेस से, दूसरा पार्ट एसिड से। तो पहला पार्ट बेस से, नेम का दूसरा एसिड से, बट साथ में सफिक्स आइट, है ना, क्योंकि ये भी हैलोजन फैमिली है। अच्छा आपको पता ही नहीं हैलोजन क्या होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल अगर कभी सुनी है या नहीं सुनी है तो हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का जो अपना फिफ्थ चैप्टर होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता है, जितने भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं उनको हमने एक टेबल बना रखी जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर 18 ग्रुप बना रखे हैं हमने, तो 17th ग्रुप जो होता है उसके मेंबर्स को बोला जाता है हैलोजन्स, क्योंकि वो साल्ट बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं साल्ट, ठीक है। हैलोजन्स, हैलो मीन्स साल्ट, जन मीन्स प्रोड्यूसिंग, तो जो साल्ट बना दे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को बोलता है हैलोजन्स, ठीक है। तो ये इस तरह से साल्ट के मैंने जो एग्जांपल बताए, और जब भी हैलोजन फैमिली होगी क्लोरीन होगा ब्रोमीन होगा आयोडीन होगा तो आपको सफिक्स लगाना है आयड, कई बार हो सकता है एट भी सफिक्स लगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग साल्ट के नेम में अलग अलग सेकंड पार्ट के अंदर सफिक्स लगते हैं कि आयड एट, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कार्बोनेट आयन ले लूँ, कार्बोनिक एसिड से ले लूँ तो कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड से ले लो तो सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको एक टेबल भी बनवा देता हूँ जिससे आपको इनको मेमोराइज करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप, वेरी गुड नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए तो अब मैं सफिक्स आपको बता देता हूँ कि कौन से एसिड के साल्ट के लिए आपको, देखिए बेस से फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एसिड के नेम से फ़र्क पड़ता है, तो कौन से एसिड के अंदर आपको कौन सा सफिक्स यूज करना है, ठीक है। हाँ तो एक बार लिख लेता हूँ मैं एसिड, और अब साल्ट के नेम में जो आपको सफिक्स यूज करना है वो, ठीक है। अगर आपका हुआ एसिड हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड कौन कौन होते हैं HCl, HBr, HI, ठीक है, और HF, क्लियर है। अगर इन एसिड से कोई साल्ट बना है तो आपको यूज करना है सफिक्स आइड, ठीक है, साफ को सफिक्स यूज करना है
आइड। उसके बाद अगर हम एक हमने लिख लिया, सेकंड हम लिखते हैं अगर एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपको यूज सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना तो आपको लगाना है सल्फेट, तो आपको साल्ट के नेम में यूज़ करना है सल्फेट। तीसरा एसिड अगर हम ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो आपको यूज करना है कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद फोर्थ अगर मैं बोलूं नाइट्रिक एसिड, अगर मैं बोलूं नाइट्रिक एसिड तो आपको यूज करना है नाइट्रेट, तो आपको यूज करना है नाइट्रेट। ठीक है, तो हैलोजन एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, कार्बोनिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आपको यूज करना है एट वर्ड। ठीक है, तो उसको आप रहने दें, हायर क्लासेज के अंदर ही जनरली उसके एग्जांपल हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये साल्ट हैं, कुछ के एग्जांपल मैंने बताए, ऐसा नहीं कि यही साल्ट हैं। ठीक है, अगर ऐसे साल्ट हैं जो इन एसिड से मिलके बने हैं तो उन साल्ट के नेम में आपको सफिक्स यूज करना है, हैलोजन एसिड में आइड, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट, कार्बोनिक एसिड के लिए कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड के लिए नाइट्रेट। जैसे एग्जांपल भी मैं लिखवा देता हूँ, जैसे एग्जांपल हैलोजन एसिड में जैसे कोई भी साल्ट हमने ले लिया, सोडियम NaCl, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। हम ले लेते हैं NaBr, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। तो देखिए एक सफिक्स यूज किया हमने आइड, क्यों, क्योंकि जो दोनों साल्ट हैं ये इस कैटेगरी के, दोनों साल्ट इस कैटेगरी के। अगर सल्फेट हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल मैं लिखता हूँ सल्फेट। अब सल्फेट में ये जो ये है ये कहाँ से आया है, बोलिए कहाँ से आया है, यह है सल्फ्यूरिक एसिड से, इसलिए इसके साल्ट में हम नाम में यूज करेंगे सल्फेट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। इसके नेम के लिए हम यूज करेंगे सोडियम सल्फेट, क्लियर है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो अब इसके अंदर कौन सा सफिक्स यूज किया, कार्बोनेट। अगर नाइट्रिक एसिड से कोई साल्ट बना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो ये नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अब कौन सा सफिक्स यूज किया, नाइट्रेट, क्लियर है। तो इस तरह से अगर डिफरेंट एसिड से डिफरेंट साल्ट्स बनते हैं तो उनके नेम के अंदर जो सफिक्स आपको यूज करना वो डिफरेंट है। हैलोजन एसिड के लिए आइड, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए सल्फेट, कार्बोनिक एसिड के लिए कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड के लिए नाइट्रेट, ऐसे से अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग नेम आपको यूज करने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई टार्ट्रिक एसिड आ जाता है तो उस वहाँ से साल्ट बनेगा सोडियम टार्ट्रेट। अगर सोडियम की बात करें मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अगर आता है कोई सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड का अगर कोई साल्ट तो आप यूज करेंगे सिट्रेट। तो ये सारे जो एसिड्स हैं, एसिड्स में बहुत सारे आपको बता सकता हूँ, सफिक्स बता सकता हूँ, बट वो हायर क्लासेज के अंदर है। ठीक है, आपकी क्लासेज के लेवल के लिए मोर देन एनफ है, क्लियर है। चलिए इनको नोट कीजिए। ओके, चलिए नोट हो गया है। अब हम बात करते हैं साल्ट की फैमिली की, साल्ट की फैमिली। अच्छा, इस कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब फैमिली का नाम पूछेंगे कि ये साल्ट कौन सी फैमिली का है। ठीक है, तो साल्ट की फैमिली नेम आपको कैसे बताना है, तो फैमिली नेम आप बताएंगे या तो सेम कैटायन को देख के, ठीक है, या फिर सेम एनायन को देख के। ठीक है, अगर दो साल्ट ऐसे हैं कि या तो उनका कैटायन मैच होता है या उनका एनायन मैच होता है, तो जो एनायन है उसके नेम पे आपको साल्ट की फैमिली का नेम रखना है। फिर से मैं बताता हूँ कि आपसे क्वेश्चन देके पूछेंगे कि ये साल्ट कौन सी फैमिली का है, तो आपको साल्ट की फैमिली आपको बतानी है या तो सेम कैटायन को देख के या सेम एनायन को देख के। मीन्स दो साल्ट अगर आपको दिए हैं तो आप ये देखें उनमें क्या कॉमन है, आप देखेंगे या तो उनका सेम कैटायन होगा या सेम एनायन होगा। अगर उनका कोई भी एक पार्ट या तो कैटायन या फिर एनायन, दो पार्ट में से एक भी पार्ट अगर सेम है तो वो दोनों एक फैमिली के हैं, क्लियर। तो देखिए एग्जांपल से आपको समझ आता है ये, जैसे एग्जांपल में बोलूं
कि सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम ब्रोमाइड, ये दो साल्ट हैं। अब बोलेंगे इन साल्ट की फैमिली का नेम आप बताएं, तो फैमिली का नेम या तो आपको बताना है कैटाइन वाले पार्ट पे, या आपको पता है एनायन वाले पार्ट पे, या तो कैटाइन वाले पार्ट या एनायन वाले पार्ट पे। तो आप इन दोनों साल्ट को ये देखिए कि इनमें कौन सा पार्ट कॉमन है, आप कहेंगे इनका कैटाइन सेम है, इनका कैटाइन सेम है। तो मैं कहूँगा कि इनका जो कैटाइन है वो सेम है, इसीलिए जो नेम होगा वो भी किसके नेम पे होगा, कैटाइन के नेम पे। देयरफॉर जो नाम हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, सोडियम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साल्ट्स ऑफ सोडियम। तो ये क्या हो जाएंगे, साल्ट्स ऑफ सोडियम। ये दोनों साल्ट कौन सी फैमिली के हैं, सोडियम फैमिली के, सोडियम मेटल के साल्ट हैं। क्लियर, तो दो चीजें सेम उसी के ऊपर नेम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप कहेंगे इन दोनों का, ये कैटाइन वाला पार्ट है एनायन वाला, ये कैटाइन वाला है एनायन वाला, दोनों का क्या सेम है, आप कहेंगे कैटाइन सेम है। तो फिर से मैं लिखूंगा क्या सेम है, कैटाइन सेम है, इसीलिए जो नेम होगा अब वो भी किसके नेम पे पड़ेगा, कैटाइन के नेम पे। अब कैटाइन कौन है, मैग्नीशियम, इसलिए बोलेंगे साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ब्रोमाइड को और मैग्नीशियम आयोडाइड को आप क्या कहोगे, साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम। तो जो पार्ट सेम उसी पार्ट के नेम पे साल्ट की फैमिली, साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने नोट कर लिया ये, वेरी गुड, नोट नहीं किया तो नोट कीजिए, बस इस पार्ट को नोट कीजिए, कर लिया, वेरी गुड। तब देखिए अब एनायन वाले पार्ट को एग्जांपल में ले लेते हैं हम। देखिए जैसे कि मैंने ले लिया KCl MgCl2। अब दो साल्ट हैं, ये कैटाइन वाला पार्ट है एनायन वाला पार्ट, ये कैटाइन वाला पार्ट है एनायन वाला पार्ट, क्या सेम है, आप कहोगे सर दोनों का एनायन सेम है, क्या सेम है, एनायन सेम है, एनायन सेम है, इसीलिए जो नेम पड़ेगा वो भी किसके ऊपर पड़ेगा, एनायन के ऊपर, इसीलिए इनको हम कहेंगे क्लोराइड्स, साल्ट क्लोरीन के, साल्ट ऑफ क्लोरीन, साल्ट्स ऑफ क्या लिख देता हूँ, क्लोरीन, किसके साल्ट हैं ये, क्लोरीन के साल्ट, या फिर कहेंगे क्लोराइड साल्ट्स, क्या कहेंगे, क्लोराइड साल्ट, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 या फिर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, दो साल्ट हैं, डिफरेंट साल्ट हैं। अब इनकी फैमिली बताओ, ये कैटाइन वाला पार्ट ये एनायन वाला पार्ट, ये कैटाइन वाला पार्ट ये एनायन वाला पार्ट, क्या सेम है, सेम ढूंढिए आप, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि कैटाइन भी सेम एनायन भी सेम, वो किस किस सिचुएशन हो सकता है, जब दो एक साल्ट को आपने दो बार लिख दिया है ना। चलिए तो ये कौन सा पार्ट सेम है, एनायन सेम है, एनायन सेम है, तो नेम भी किसके ऊपर होगा, एनायन के ऊपर, नेम भी किसके ऊपर होगा, एनायन के, इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या है, सल्फेट साल्ट, किसके साल्ट हैं ये, सल्फेट के, ठीक है, सल्फेट साल्ट्स। क्लियर है, तो मीन्स साल्ट की अगर आपसे फैमिली पूछते हैं तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि उनका कौन सा पार्ट सेम है, ठीक है, जो पार्ट सेम होगा उसी पार्ट के आप के ऊपर आप उस साल्ट का नेम रख देंगे। क्लियर, तो चलिए नोट करिए, हो गया है नोट, बहुत अच्छे। हाँ जी चलिए मैं रेज करता हूँ इसको। अच्छा एक नया कंसेप्ट या थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि MgCl2 ये कौन सी फैमिली का साल्ट है, इस साल्ट की फैमिली बताएं, तो आप क्या कहोगे, तो देखिए इसकी अगर आपसे कोई फैमिली पूछे तो इसकी दोनों फैमिली हो सकती हैं, एक साल्ट तो उसकी दो फैमिली हो सकती हैं, एक बेस के पार्ट पे नाम पे, एक एसिड के नाम पे, तो इसको हम कह सकते हैं मैग्नीशियम साल्ट्स, मैग्नीशियम का साल्ट, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्लोरीन साल्ट। बोलिए सही बात है, अगर एक ही साल्ट की फैमिली पूछता है
तो आप चाहे कैटायन वाले पार्ट पे बोल दिए, चाहे एनायन वाले पार्ट पे बोल दिए, दोनों पे, दोनों की फैमिली में बिलोंग करेगा, मैग्नीशियम साल्ट, क्लोरीन साल्ट, ठीक है। अगर मैं पूछूँ सोडियम सल्फेट Na2SO4, अब इसकी फैमिली आप बताओ, तो आप इसको भी अकेले साल्ट, अकेले साल्ट की अगर आप फैमिली पूछोगे तो आप इसको भी नाम दे सकते हैं क्या, कि या तो सोडियम का साल्ट है ये, या फिर ये सल्फेट साल्ट है, या फिर ये कैसा साल्ट है, सल्फेट साल्ट, क्लियर है। तो एक ही साल्ट को अगर आपसे पूछे तो आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा साल्ट को इकट्ठा आपने पूछा कि ये सारे साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उनका कॉमन पार्ट ढूंढो, जो भी कॉमन पार्ट है उसी के बेसिस, उसी के नेम के बेसिस पे आप उस साल्ट का नाम रख दोगे, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इसको, जी नोट हो गया, वेरी गुड। तो साल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नेम रखना है, फैमिली कैसी होती है, वो सारे कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, साल्ट की कुछ प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो जो साल्ट्स होते हैं वो जनरली वाटर सोल्यूबल्स होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, जनरली वाटर सोल्यूबल्स, क्लियर। साल्ट कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड्स मिलते हैं। उसके बाद साल्ट कैसे होते हैं, एसिड बेस की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं साल्ट की प्रॉपर्टीज, कि साल्ट्स आर जनरली सॉलिड्स, कि साल्ट्स कैसे होते हैं, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे ऊपर। और उसके बाद हम अगर बात करें कि साल्ट्स आर जनरली, या साल्ट आर, साल्ट में भी सोल्यूबल इन वाटर और मे नॉट बी, और मे नॉट बी, कि सोल्यूबल हो भी सकते हैं, सोल्यूबल नहीं भी हो सकते, मतलब सभी के लिए फिक्स नहीं है, क्लियर। उसके बाद साल्ट्स कंटेन आयंस, साल्ट कंटेन आयंस, देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, कि जो साल्ट्स हैं उनके अंदर आयंस होते हैं, उन आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन, ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस स्टेट में, या तो एक्वस स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में, क्यों, इस टाइम पे उनके जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स मे बी 7, लेस देन 7, मोर देन 7, ठीक है। तो जो पीएच सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है किसके, एक्वस सॉल्यूशन की, साल्ट की, पीएच वैल्यू 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है, मोर देन 7 भी। इस पॉइंट को आप नोट करें इंपॉर्टेंट डाल के, क्यों, ये आप जनरली समझते हैं 10th स्टैंडर्ड के या 8th स्टैंडर्ड के बेसिस पे कि जो साल्ट हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है, अभी तक आपको यही पढ़ा गया कि साल्ट की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 7 भी हो सकती है, मोर देन 7 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कब कब ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे पीएच वैल्यू 7 कब होता है ऐसा, जब साल्ट कैसा हो, व्हेन साल्ट इज
formed from when salt is formed from strong acid and strong base. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 कब होगी. तो साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है वो 7 होगी. कब होगी? जब साल्ट जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 7. क्यों? क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से. किस किस से? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HCl. स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? NaOH. तो इन दोनों से बनता है सोडियम क्लोराइड. तो देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. अब इस केस में क्या होता है, ये जितने H पॉजिटिव देगा ये उतने ही OH नेगेटिव देगा. बात समझते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के जो नंबर है वो इक्वल होगा, इसलिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा और जो pH वैल्यू हो कितनी आएगी? 7. pH वैल्यू कितनी आएगी? 7. क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे अगर हम बात करें KCl की, अगर हम बात करें KCl की, तो KCl के एक्वा सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो भी क्या होती है? 7. KCl के एक्वा सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू वो क्या होती है? 7. अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो KCl है वो जो एक ऐसा साल्ट है जो बनता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. तो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन होता है? HCl. और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? KOH. स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? KOH. तो देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों कंप्लीटली आयनाइज होंगे. ये जितने H पॉजिटिव देगा ये उतने ही OH नेगेटिव देगा, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव को क्या कर देगा? कैंसिल आउट. इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर ना तो H पॉजिटिव होंगे ना OH नेगेटिव होंगे, इसीलिए जो pH वैल्यू कितनी आएगी? 7. क्लियर है? तो कुछ ऐसे साल्ट्स भी होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होती है, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं. बट अब हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसे साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की जिनकी पीएच वैल्यू 7 नहीं है, या तो 7 से कम है या फिर 7 से ज़्यादा. क्लियर है? तो नोट कीजिए आप इसको. ओके, नोट हो गया है, वेरी गुड. तो चलिए, अब ऐसे साल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 नहीं होती है, जो कि न्यूट्रल नहीं होते हैं. ठीक है, अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा था तो ये क्या करते हैं, अब जो लास्ट पार्ट मैंने भी करवाया है उसमें अंदर आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऐसे NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है KCl के एक्वा सॉल्यूशन को अगर लिटमस पेपर आप डालेंगे तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीएच वैल्यू क्या है? 7. क्लियर? उसके बाद अब एग्जांपल बात करते हैं कि साल्ट सॉल्यूशंस विच हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7. विच हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7. तो एग्जांपल की बात करते हैं. अच्छा, पीएच वैल्यू 7 क्यों होगी? चलिए रीजन में लिखवा देता हूं. बिकॉज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको समझ आ चुका है कि उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम क्यों होती है. पीएच वैल्यू 7 से कम किसकी होती है? आप बोलोगे एसिड्स की. तो अब ये जो बनते हैं ये बनते किससे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग. बट बेस है जो, बेस कैसा है? बेस वीक. इसीलिए जो एसिड है वो तो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, जो बेस है वो कम डिसोसिएट होगा. एच पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे, ओ एच नेगेटिव कम बनेंगे. ठीक है, अब एच पॉजिटिव ज़्यादा
तो पीएच वैल्यू लेस देन है 7 क्योंकि एसिडिक आएगा, क्लियर। तो अब देयरफॉर डियर एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मोर, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मोर एच पॉजिटिव देन ओ एच ए नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम, हम ले लेते हैं स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड हम ले लेते हैं और वीक बेस हम ले लेते हैं। स्ट्रोंग एसिड हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, वीक बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस हमने क्या ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों की रिएक्शन से जो एसिड बनता है वो बनता, जो साल्ट बनता है वो कौन सा बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट के पीएच एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, क्यों, देखिए जो एसिड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है वो कैसा है, वीक। अब क्या होगा, इससे जो एच पॉजिटिव आएंगे वो ज़्यादा होंगे, इससे जो ओ एच नेगेटिव आएंगे, तो एच पॉजिटिव की वैल्यू ओ एच नेगेटिव से ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, एच पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे तो सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक एन एसिड, और एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7, क्लियर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं हम, इसको भी दो एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। फिर ले लिए एक दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, वीक बेस हम ले लेते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमने एक तो ले लिया HCl, एक ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। HCl कैसा है, स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस। अब स्ट्रोंग एसिड है तो यहाँ से जो H पॉजिटिव आएंगे, वीक बेस है यहाँ से जो OH नेगेटिव आएंगे, तो इन OH नेगेटिव से ज़्यादा होंगे H पॉजिटिव, और सॉल्यूशन के अंदर अगर OH नेगेटिव से ज़्यादा है H पॉजिटिव तो सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक जाना एसिड। इसी वजह से इनसे जो साल्ट बनना है, साल्ट कौन सा बनना है इनसे, मैग्नीशियम सल्फेट, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लियर। तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ऐसे साल्ट हैं कि इनके एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, क्यों, ये बने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ज़्यादा एच पॉजिटिव बनाएगा, बट जो वीक बेस हैं वो थोड़े से पार्शियली आयनाइज होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, इसलिए OH नेगेटिव कम बनाएंगे। अब एच पॉजिटिव मोर देन ओ एच नेगेटिव, देयर फॉर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसको, वेरी गुड, नोट हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे कुछ साल्ट सॉल्यूशन हैं जिनकी जो पीएच वैल्यू है, साल्ट सॉल्यूशन विच हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक है, क्यों, बिकॉज फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड, फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर देयर एक्वस सॉल्यूशन विल कंटेन मोर OH नेगेटिव किससे, देन H पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ ऐसे साल्ट सॉल्यूशन होंगे जिनके पीएच वैल्यू क्या होगी, जिनके पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, क्यों होगी, क्योंकि वो बनेंगे वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब वीक एसिड स्लाइटली डिसोसिएट होगा इसलिए लेस H पॉजिटिव बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होगा इसलिए OH नेगेटिव ज़्यादा बनाएगा। अब OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे H पॉजिटिव से, इसी वजह से सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक एन बेस, इसलिए पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन मोर देन 7, और अगर मोर देन 7 होगी तो लिटमस के ऊपर कैसा एक्शन होगा, ये रेड को कर देंगे ब्लू में, और जो पहले वाले थे वो क्या करेंगे, ब्लू को रेड में, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं वीक एसिड, हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड हम ले लेते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनसे जो साल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर चेक करेंगे तो आएगी मोर देन 7, क्या आएगी, आएगी मोर देन 7। अब
अब होगा क्या, देखिए इस ये जो वीक एसिड है ये थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। यहाँ से जो एच पॉजिटिव आयन आएंगे और यहाँ से जो ओ एच नेगेटिव आयन आएंगे, तो यहाँ से ओ एच नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे इस एच पॉजिटिव से, क्यों, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने आपको पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा है, ओ एच नेगेटिव, यहाँ पर कौन ज़्यादा है, ओ एच नेगेटिव आयन्स, ओ एच नेगेटिव आयन्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से पी एच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7, तो बिहेव करेंगे बेस की तरह। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड का एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, वीक एसिड जैसे हो गया अपना कार्बोनिक एसिड H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए वीक एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है, अब इन दोनों के रिएक्शन से जो साल्ट बनेगा वो बनेगा पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब ये वीक एसिड था जो एच पॉजिटिव बनाएगा वो कम होंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनाए जाने वाले ओ एच नेगेटिव से, तो कौन ज़्यादा होगा, ओ एच नेगेटिव, इसीलिए जो इसके इस साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर देन 7, क्लियर है। तो ये था अपना कि साल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी, तो जनरली अभी तक आप समझते थे कि 7 होगी, क्योंकि ये तो एसिड और बेस से बनते हैं, ना एसिड होंगे ना बेस होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, देखा जाएगा कि साल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है तो एसिडिक होगा, वीक बेस से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना तो बेसिक होगा, क्यों होगा मैंने आपको बताया है कि उस केस में एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इक्वल थे, फिर एच पॉजिटिव ज़्यादा थे, अब ओ एच नेगेटिव ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए पी एच वैल्यू डिफरेंट हो सकती है 7 से, क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो हमने साल्ट क्या है, कैसे बनते हैं, साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या साल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या साल्ट का मोल्टन स्टेट या फिर एक्वा स्टेट इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, कमेंट करके आपको आंसर बताना है, इलेक्ट्रोलाइट होती तो क्यों होते हैं, क्लियर।